गुड मॉर्निंग बच्चों, 11th क्लास बायोलॉजी में हम लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों की शारीरिकी, शारीरिकी यानी कि आंतरिक संरचना का अध्ययन। और इस क्रम में जो हम टॉपिक पे आ गए थे, जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ चुके थे, और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं ऊतक तंत्र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊतक तंत्र, यानी टिश्यू सिस्टम। ऊतक तंत्र क्या होता है बच्चों? पौधे के अंदर अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और वो सारे ऊतक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं ऊतक तंत्र। यानी ऊतक तंत्र का मतलब है विभिन्न ऊतकों से मिलकर बना तंत्र, विभिन्न ऊतकों से मिलकर बना तंत्र, विभिन्न ऊतकों से मिलकर बना तंत्र। तो ये जो विभिन्न ऊतक हैं, इन मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसको ऊतक तंत्र कह देते हैं। और स्थिति के आधार पर ये ऊतक तंत्र पौधे में तीन स्थानों पर पाए जाते हैं या तीन प्रकार के हो सकते हैं। ऊतक जो तंत्र है उसके हमने यहाँ पर तीन प्रकार कर दिए। पहले है, सबसे पहला है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, दूसरे नंबर पर है भरण ऊतक तंत्र, और तीसरे नंबर पर है संवहन ऊतक तंत्र। तो सबसे पहले बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बच्चों, इसके अंदर जो संरचनाएं आती हैं वो संरचनाएं आती हैं जो तने में, पत्ती में या जड़ में सबसे बाहर की तरफ स्थित होती है। बाहर की तरफ जो ऊतक पाए जाते हैं उनको बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र बोल दिया। जैसे मान लीजिए हम किसी तने के अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो ऐसे गोल नजर आ जाता है। जैसे ये तना है, इसको हमने ऐसे काटा, जैसे अपन खीरा, आलू, प्याज इनको काटते हैं, स्लाइस काटते हैं, तो स्लाइस काटी तो हमको कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दी। तो सबसे बाहर की तरफ जो ऊतक पाए गए उनको क्या बोल दिया? बाह्य त्वचीय, सबसे बाहर मिलेंगे। सबसे अंदर मिले उनको क्या बोल दिया? संवहन ऊतक तंत्र। और जो बीच में मिलते हैं दोनों के उसको क्या बोल दिया? भरण ऊतक तंत्र। तो इसमें कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं? सबसे पहले बाह्य त्वचीय में हम देखते हैं, इस पे सबसे पहले होती है कूप त्वचा, जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। सबसे बाहर होती है उपत्वचा। उपत्वचा के जस्ट ठीक नीचे होती है बाह्य त्वचा, इसी के नाम से इसको बोल रहे हैं बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, यानी एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा पर हमको क्या नजर आते हैं? हमको रंध्र भी नजर आते हैं, रंध्र यानी स्टोमेटा, ये भी इसी में आता है। बाह्य त्वचीय अतिवृद्धियां जो है, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें रोम भी आते हैं, इसमें ट्राइकोम नाम की संरचना भी आती है, ये सारे भी किसमें आते हैं? बाह्य त्वचीय अतिवृद्धियां यानी एपिडर्मल अपेंडेजेस आउटग्रोथ्स। और इसमें बुलीफॉर्म कोशिकाएं भी आती हैं, बुलीफॉर्म कोशिकाएं। ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इनके बारे में हम एक एक करके आगे भी
पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, बाह्य त्वचा में कौन कौन से संरचनाएं आई, उपत्वचा, बाह्य त्वचा रंध्र, बाह्य त्वचा अतिवृद्धियों में रोम, ट्राइकोम और भूलिफॉर्म कोशिकाएं। भारण ऊतक तंत्र के अंदर जो संरचनाएं आती हैं, अधस्त्वचा, यानी हाइपोडर्मिस, वल्कुट यानी कॉर्टेक्स, अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस। वैसे अधस्त्वचा और अंतस्त्वचा ये वल्कुट के ही भाग होते हैं, बाहर की तरफ अधस्त्वचा, अंदर की तरफ अंतस्त्वचा, बीच में सामान्य वल्कुट। अंतस्त्वचा के अंदर की तरफ होता है परिरंभ यानी पेरिसाइकल, इसके अंदर मज्जा यानी पित्त और मज्जा किरणें मेड्यूलरी रेज। तो ये भारण ऊतक तंत्र में आने वाली संरचनाएं हैं, अधस्त्वचा, वल्कुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, मज्जा और मज्जा किरणें। समय ऊतक तंत्र जो है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसमें एक तो आता है दारु यानी जाइलम, एक पोषवाहा यानी फ्लोएम। और एक आता है ऐधा यानी कैम्बियम। तो इस तरह से बच्चों ये ऊतक जो तंत्र है इसमें हमने इसको तीन भागों में बांट दिया। सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, फिर भारण ऊतक तंत्र और फिर संवहन ऊतक तंत्र। तो ये तीनों ऊतक तंत्र जो हैं इनको हम आगे अब एक एक करके इनका अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपत्वचा की। ये जो उपत्वचा है, क्यूटिकल जो है, ये पाई जाती है बाह्य त्वचा के ठीक ऊपर, बाह्य त्वचा के ठीक ऊपर, यानी हम कह सकते हैं कि ये सबसे सबसे बाहरी निर्जीव वह मोमीय परत है। देखो निर्जीव है इसका मतलब ये कोशिका से मिलकर नहीं बनी होती है। जैसे हम देखेंगे आगे कि बाह्य त्वचा एक कोशिका मोटाई की परत होती है सबसे बाहर वाली, तो इसके ऊपर निर्जीव पदार्थों से मिलकर बनी एक सबसे बाहरी परत होती है, मोमीय परत होती है, यानी मोम जैसी चिकनी होती है, और इसमें से होकर पदार्थों का आवागमन नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सुरक्षात्मक परत है। ऐसी परत है, सुरक्षात्मक परत है। ये बनी किससे होती है, ये क्यूटिन नामक पदार्थ से निर्मित होती है। क्यूटिन नाम का एक पदार्थ है जो बाह्य त्वचा के द्वारा ही स्त्रावित होता है और ये बाहर आकर जम जाता है। इसके जमने से, इसके जमाव से क्यूटिकल परत बन जाती है, और ये जो क्यूटिन है
ये पूरी तरह से जल अवरोधी होता है, वायु अवरोधी होता है, यानी पूरी तरह से एक अवरोधी परत है, यानी सुरक्षात्मक अवरोधी परत है। कैसी परत है? अवरोधी। अब अवरोधी परत होने से इसका क्या फायदा मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल की हानि को रोकना या कम करना। यानी जल जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में जाता है उस हानि को रोकता है। यानी जहां जहां क्यूटिकल की परत होगी, जहां जहां उपत्वचा होगी, वहां से जल का वायुमंडल में निष्कासन नहीं होगा। केवल वहीं से ही पानी का निष्कासन हो सकता है जहां से या तो क्यूटिकल टूट चुकी है या जहां पर रंध्र मौजूद है। तो इस तरह से पत्ती से होने वाली जल की जो हानि है उसको ये रोकता है, क्यूटिकल यानी कि बाह्य त्वचा के ऊपर पाई जाने वाली उप त्वचा की परत। तो इस तरह से ये बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में सबसे जो बाहरी परत है वो उप त्वचा है, जो कि जल की हानि को कम करता है। इसके और भी जो प्रकार हैं, भाग हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप वीडियो लगातार देखते रहें और नोट्स बनाते रहें, सुरक्षित रहते हुए पढ़ते रहें।